मनोज और विष्णु हरिद्वार के एक शमशान में लाशें जलाने का काम करते थे। वहीं एक रोज़ जो मनोज के साथ हुआ उसे वो अपने जीवन भर कभी नहीं भूल पाया। दरअसल हुआ यूं कि एक रोज़ जो था एक परिवार अपने साथ एक लाश लेकर आया, तो जो विष्णु था उसने कहा उन लोगों से कि आप लकड़ी वगैरह लेकर आ जाइए, तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं। तो उस लाश के साथ जो बाकी लोग थे वो सब तो लकड़ी वगैरह और बाकी ज़रूरी सामान लेने के लिए यहाँ वहाँ निकल गए। फिर उस लाश के साथ एक आदमी जो उनके साथ आया था वो रुका हुआ था। तो जो मनोज था उसने उस आदमी से पूछा कि भाई किसकी लाश है, आदमी की या औरत की? तो उस बंदे ने बताया मनोज को, ये मेरी चाची जी की लाश है, अभी इनकी शादी को मुश्किल से एक महीना ही हुआ था कि देखो ये सब हो गया। इस पर मनोज जो था वो उस आदमी से कहता है कि अच्छा तो क्या ये बीमार थी? इस पर उस आदमी ने कहा, अरे नहीं नहीं, न जाने कल अचानक से रात में इन्हें क्या हुआ और फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद मनोज जो था वो उस इंसान से ज़्यादा कुछ नहीं पूछता उस डेड बॉडी के बारे में। और फिर कुछ ही देर बाद जो था उनका बाकी परिवार आ जाता है। तो यहाँ पर मनोज और जो विष्णु था वो दोनों मिलकर चिता की तैयारी करने लगे, लकड़ी वगैरह लगाने लगे। फिर जो मनोज था वो उन लोगों से कहता है कि आप लोग इस लाश को चिता पर लेटा दीजिए। तो जब 4 से 5 लोग मिलकर उस लाश को चिता पर रख रहे थे और रखने के बाद, तभी जो मनोज था उसने देखा कि उस लाश के चेहरे से थोड़ा जो कपड़ा है वो हट गया है। तभी उसे महसूस होता है कि वो जो लाश है उसकी आंखें जो हैं वो कभी खुल रही हैं तो कभी बंद हो रही हैं। ऐसा लगता था मानो जैसे उसके अंदर अभी भी सांसें बाकी हो। तो वो मन ही मन परेशान होने लगा कि यार क्या वाकई में ये जो लाश है ये ज़िंदा है। इसी बात के चलते मनोज जो था वो अपने दोस्त विष्णु को साइड में लेकर गया और उससे बोला, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो औरत की लाश है वो ज़िंदा है, बल्कि वो मरी नहीं, मैंने उसकी आँखों को खुलते और बंद होते देखा है। तो इस पर विष्णु ने कहा, यार तू पागल हो रहा है, मैं भी तेरे साथ वहीं था, मुझे तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। तो विष्णु फिर मनोज से कहता है कि चल यार ये सब बेकार की बातें मत कर, ये सब हमारा काम है और हमें करना ही होगा। ऐसा करके वो मनोज को अपने साथ लेकर आ जाता है और वो फिर से बाकी जो लकड़ी वगैरह थी वो लाश पर लगा देते हैं। फिर थोड़ी देर में लाश जलकर अलग हो जाती है। लाश जब जल जाती है पूरी तरीके से तो उसका जो परिवार था वो तो वहाँ से चला जाता है। फिर क्या था कि ये जो मनोज और विष्णु थे उस रोज़ रात में जो अपने घर गए, जो कि विष्णु का घर था, मनोज उसी के साथ उस घर में रहा करता था। तो रात का वक्त था, दोनों दोस्त जो थे थककर आराम से अपने सो गए। मनोज जो था उसे कहीं ना कहीं अभी भी मन में ये जो बात थी खटक रही थी कि यार हमने जो है एक ज़िंदा इंसान को जला दिया है, ऐसा उसे महसूस हो रहा था कहीं ना कहीं मन ही मन में। लेकिन वो पूरे दिन का काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था जिसके चलते उसे पता नहीं चलता कि कब उसे नींद आ गई। और इसके बाद जो था उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो इस वक्त कमरे में नहीं बल्कि शमशान में है। तो ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। इसी के साथ जो था मनोज ने देखा कि वो
एक चिता पर लेटा हुआ था और उस चिता पर जो थे उसके हाथ पैर बांधे हुए थे, जिसकी वजह से वो चाहकर भी उस चिता से खड़ा नहीं हो पा रहा था। कि तभी उसने देखा कि सामने से कुछ लोग चले आ रहे हैं। यहाँ पर मनोज जो था वो उन लोगों को ज़ोर से आवाज़ लगाता है, ये सोच कि चलो कोई तो आया, अब इन लोगों से मदद मांगता हूँ और ये मुझे यहाँ से छुड़वा लेंगे। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा, लेकिन तब तक उसे पता नहीं था कि वो उसके मददगार नहीं बल्कि कोई और ही हैं। जब वो लोग मनोज के थोड़ा पास आए और उनकी छवि जो धुंधली धुंधली सी थी वो मनोज के आगे थोड़ा क्लियर हुई, तो उसने देखा कि उन लोगों के सर तो है ही नहीं, वो बल्कि कोई इंसान नहीं, कोई बुरे भूत प्रेत वगैरह थे, जिसके चलते मनोज जो था काफ़ी ज़्यादा डर गया था। और अब उसे लग रहा था कि ये लोग जो हैं उसे जान से मार देंगे, वो बहुत ज़्यादा डर चुका था और खुद को जो है उस चिता पर से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। इतने में वो क्या देखता है कि सामने से एक पतली दुबली औरत चली आ रही है। जब वो थोड़ा करीब आई तो विष्णु ने पाया कि ये कोई जानी पहचानी औरत है जिसे उसने पहले भी देखा है, लेकिन उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद उसे याद आया कि ये तो वही औरत है जो सुबह के वक्त जिसकी लाश आई थी जलने के लिए। उस औरत के हाथ में एक मशाल थी, शायद उसी मशाल से वो मनोज की जो चिता है उसे जलाने वाली थी। ये सोचते ही मनोज बहुत बुरी तरीके से सहम सा गया और उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, एक मुस्कान जो उसको और ज़्यादा डरावना बना रही थी, जिसके चलते मनोज जो था वो ये सोच बैठा कि बेटा आज तो तू मरा ही मरा, आज नहीं बचने वाला। इतना था कि वो जो औरत थी वो मनोज की चिता के पास आती है और उसमें आग लगा देती है, जिसके बाद मनोज को एहसास हुआ कि वो जल रहा है और वो चीखने और चिल्लाने लगा। कि तभी उसे एहसास हुआ कि वो अभी ठीक है और ज़िंदा है। इसी के साथ उसने देखा कि वो शमशान में नहीं बल्कि अपने कमरे में है, अपने बेड पर, और उसके बाजू में उसका दोस्त सोया था। तो उसकी चीख पुकार सुनने के बाद विष्णु जो था वो उठकर बैठ गया और उसने देखा कि जो मनोज है वो पसीने में पूरी तरीके से नहाया हुआ है। उसने उसको देखा और पूछा कि यार क्या बात है, तू इतना पसीने पसीने कैसे हो रखा है? तो इस पर मनोज ने कहा, यार मैंने बहुत ही भयानक सपना देखा, मैंने खुद को जलते हुए देखा। तो विष्णु ने कहा कि अच्छा चल यार कोई बात नहीं, अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सपना ही तो था, चल छोड़। तो फिर क्या होता है कि जो मनोज था वो बोला कि हाँ ये सपना था, लेकिन मुझे इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इस पर विष्णु ने कहा, क्या गड़बड़ हो सकती है, सपना ही तो था ना यार, मुझे लगता है तेरी तबीयत वगैरह ख़राब है, तेरे को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मनोज था वो कहता है, नहीं डॉक्टर नहीं, बल्कि हमें किसी तांत्रिक के पास चलना चाहिए, इस समस्या का समाधान अब वही दे सकते हैं। मनोज का जो दोस्त था विष्णु, पहले तो वो तैयार नहीं था, वो तो यही बोल रहा था कि नहीं यार ये कोई डॉक्टर के पास चल के ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर जो मनोज था वो बहुत ज़्यादा अपने दोस्त पर गुस्सा करता है, जिसके बाद जो विष्णु था वो कहता है, चल ठीक है यार तेरी मर्ज़ी है। तो फिर वक्त रहते वो दोनों एक तांत्रिक बाबा के पास पहुँचते हैं, जो मनोज की जो सारी बातें हैं सुनने के बाद और पता करते हैं, तो पता करने के बाद बताते हैं कि ये जिस लड़की की लाश तुमने उस रोज़ जलाई थी, असल में वो
तुम्हारी जान पहचान वाली थी। यहाँ पर मनोज जो था वो बड़ा ही हैरान हुआ कि मैंने तो उसका चेहरा देखा था, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं उसे ज़रा भी जानता हूँ। तो वो तांत्रिक जो था वो बताता है कि आज से 11 साल पहले तुम किसी लड़की को पसंद करते थे, ये वही थी। तो मनोज को याद आता है हल्का हल्का कि हाँ, मैं एक लड़की को पसंद किया करता था बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि ये वो थी। तांत्रिक ने बताया कि ये वही लड़की है जिसे तुम 11 साल पहले पसंद किया करते थे, वो जो थी आज भी मरने से पहले तुम्हें ही याद किया करती थी, तो इसी वजह से उसके मरने के बाद तुम्हें ये सब कुछ नज़र आया है। अब इसके चलते जो मनोज था उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है उस लड़की के लिए। वो रोना तो चाहता था लेकिन फिर भी वो नहीं रोता, खुद को मजबूत करके, और मन ही मन उसको काफ़ी ज़्यादा उसके लिए दुख महसूस हो रहा था कि यार ये सब क्या हो गया। विष्णु जो था वो तांत्रिक बाबा से कहता है कि तांत्रिक बाबा, तो क्या मेरे दोस्त को ये सब चीज़ें इसी तरीके से परेशान करती रहेंगी? उस लड़की की आत्मा क्या ऐसे ही इसको परेशान करती रहेगी आगे भी? तो इस पर तांत्रिक बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं आज ही उसका एक समाधान कर देता हूँ। मैं अभी एक पूजा पाठ करूँगा जिसके बाद वो जो लड़की की आत्मा है फिर कभी तुम्हारे दोस्त को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। फिर यहाँ पर जो तांत्रिक बाबा थे वो दोनों दोस्तों को अपने आगे बिठाते हैं, बीच में हवन था जिसमें वो क्रिया विधि शुरू करते हैं। वो काफ़ी देर तक कुछ विभूत वगैरह उसमें छिड़कते हैं और उनके पास एक धागा था जिसे वो अभिमंत्रित करके मनोज को देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि ये धागा जो है तुम हमेशा अपनी कलाई पे बांधे रखना, जिसके बाद वो जो लड़की की आत्मा है तुम्हें आगे से कभी इस तरीके से ना नज़र आएगी, ना ही किसी और तरीके से परेशान करेगी। और फिर मनोज जो था वो उस धागे को, तांत्रिक बाबा के दिए धागे को, अपनी कलाई पर अच्छे से बांध लेता है। और फिर उसके बाद वो तांत्रिक बाबा को धन्यवाद कर वहाँ से दोनों दोस्त बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर जो मनोज था उसे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था इस वक्त भी उस लड़की के लिए, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। मनोज के साथ जो घटना घटी उसके बाद वो थोड़ा डर सा गया था, जिसके चलते उसने वो जो काम था वो अब छोड़ दिया था और वो उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे ही शहर में जाकर रहने लगा था, क्योंकि उसे जो था मन ही मन अभी भी ऐसा लग रहा था कि अगर वो उस शहर में रहेगा तो हो सकता है कि वो जो लड़की थी उसकी आत्मा उसे परेशान करे। तो अपने डर के चलते उसने वो जो शहर था वो छोड़ दिया और किसी और दूसरे शहर में जाकर बस गया।